नमस्कार व्यूअर्स, आज पनप टीम आई है डॉक्टर परवीन राणा के पास। और इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इनकी फ़ैन हूं। हेलो मैम। हेलो। कुछ टाइम इनके साथ काम करने का मौका मिला। मैम स्कूल कैडर में लेक्चरर हैं और ये बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वहाँ के स्टाफ को भी पढ़ाते हैं। उनकी रोल मॉडल है, मतलब उनको जिंदगी जीने का तरीका, मतलब कैसे आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं हर फ्रंट पर। तो हर कोई इनका फैन हो जाता है, मैं ही नहीं, जो भी इनके कांटेक्ट में आता है वो इनका फैन हो जाता है। तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि हम इनके साथ बात करें जिससे कि हमारे व्यूअर्स को फायदा मिले। तो मेरे ख्याल से इस बात को सबसे ज़्यादा समझना अच्छा रहेगा कि उस फैंडम के पीछे क्या क्या बेसिक्स हैं, क्यों आपके सारे लोग इतने बड़े फैन बन जाते हैं। मैम, मैं संजीव पना फाउंडेशन की ओर से, और अर्चना जी ने जैसा आपके बारे में बताया था वो मैंने मेरी आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन वास्तव में मैंने बिल्कुल सही पाया, उससे भी बढ़ के पाया। आपका बैकग्राउंड हम आप ही के मुख से सुनना चाहेंगे, उससे हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और फ़ायदा भी होगा। प्लीज़। एक्चुअली मैं हरियाणा के एक रिमोट सा एरिया कहेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फतेहाबाद से बिलोंग करती हूँ जी। तो हम चार सिस्टर्स हैं और मेरे फादर जो हैं एक लॉयर थे, तो उनको बहुत ये था उस एरिया में रहते हुए भी जहाँ एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी स्पेशली गर्ल्स के लिए, कि मैंने अपने बेटियों को बहुत अच्छे से एजुकेट करना है। तो उन्होंने मुझे 10th के बाद हिसार हॉस्टल में बोर्डिंग में डाला, और जब उन्हें लगा कि वहाँ मैंने टॉप किया है तो उन्हें ये लगा कि नहीं, इसको किसी और भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में कराना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ मुझे एडमिशन दिलाया, और वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी इंग्लिश में। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मुझे यूँ लगा कि मेरे फादर इतने कॉन्शियस थे मेरी एजुकेशन के लिए, तो मुझे भी अपने बच्चों को जो है बहुत अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। और मेरा मेन यही स्ट्रेस था कि इनके बेसिक्स क्लियर हों, वो चीज़ें ज़रूर हों ताकि इनको आगे कोई मुश्किल ना आए, ये जब भी चाहें तो मेहनत करके कोई भी चीज़ अचीव कर सकें। क्योंकि मैंने देखा था हमारी फैमिली में एक बच्चा था जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, वो अपने स्कूल टाइम में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पर बाद में उसने बहुत मेहनत की जुडिशरी में आने के लिए, और वो बच्चा आ नहीं सका सिर्फ इसलिए कि उसकी सेंटेंस मेकिंग एसे राइटिंग पार वो डेवलप नहीं कर सका, क्योंकि उसको ग्रामेटिकल जो बेस था वही उसका बहुत पुअर था। तो ये चीज़ें मैंने पर्सनली भी देखी हुई थी। वैसे भी पढ़ाई का मुझे शौक़ था, तो मुझे यूँ था कि मैंने अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ये फील्ड देखना है, कवर करना है। तो शादी के बाद मैंने जब मैं रोहतक में आ गई तो मेरा यहाँ पे MDU में एडमिशन लेना चाह रही थी, तो कुछ इनका परसेंटेज थी, एंट्रेंस टेस्ट नहीं था, इसलिए मेरा इंग्लिश MPhil में नहीं हो पाया। तो मैंने दूसरी MA शुरू की पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस MA के बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली एज ए PGT गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके बाद मैंने अपनी, मतलब जस्ट मैंने रिसर्च शुरू ही की थी PhD की, मैंने जॉब ज्वाइन की, तो उसके बाद बहुत मेहनत की, मेरे छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चों में गैप कम था, और मैंने PhD करनी थी, मेरे पास जॉब भी थी, और यही एरिया था वो कि मैं डाइनिंग टेबल पे अपनी बुक्स फैला के मैं बहुत स्टडी करती थी, बहुत पढ़ती थी, और फिर मैंने अपनी PhD फाइनली पूरी कर ली। गुड। तो जो बच्चों की बात आती है, तो रोहतक का एक एरिया ऐसा है जिसकी अपना एक डायलेक्ट है जहाँ का, तो मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत कॉन्शियस थी कि बच्चे को प्रॉपर हिंदी हिंदी की तरह बोले, इंग्लिश को इंग्लिश के एक्सेंट में ही बोले, और ठीक है अपनी मदर टंग तो होनी चाहिए, वो तो जो भी है डायलेक्ट है या फैमिली का या जो भी, वो चीज़ तो रहे, कोई बात नहीं है। तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करने लगी पड़ी, क्योंकि जो नेबरिंग कंपनी थी उसकी बच्चों की, तो उसको मुझे यूँ था कि
कि वो हिंदी को भी उसी लैंग्वेज में या उसी टच एक्सेंट में ना बोले। तो मैंने सिर्फ इंग्लिश पे ही नहीं, उनकी हिंदी पे भी बहुत स्ट्रेस दिया। और सिर्फ यही था कि भाई बेसिक्स क्लियर, उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। फिर दूसरा क्या था, जब वो 10th में आ गए तो मैं उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के सम्स वो सॉल्व करती थी। मेरा मैथ अच्छा था और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम यूँ करते थे, देखो ये वाला सम दोनों करते हैं, कौन जल्दी करेगा देखते हैं, इसका ये आ गया ये आ गया, मतलब सॉर्ट ऑफ गेम उसको बना के और हम सॉल्व करते थे। बेटे के साथ भी, बेटी के साथ भी। बेटा जब 10th में हुआ तो उसको SS बहुत बोरिंग लगती थी, हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती थी, तो मुझे यूँ लगा कि इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो एग्ज़ाम्स होते थे, बेड पे बैठने के बाद, रजाई में बैठने के बाद मैं उसको वो सारी बुक लेके सुनाती थी। मैंने कहा ये था बेटा, ये ऐसे था, कि किसी ना किसी तरह इसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, ये चीज़ें इनको सिखानी ही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वो हो गया कवर, मतलब जो भी उन्हें नहीं इंटरेस्टिंग लगता था उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाना और उनके कंसेप्ट क्लियर करने, ये मेरा मेन एम था। कि बाकी मेहनत हम कर सकते हैं पर फाउंडेशन होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन रोल तो मैम यही है पेरेंट्स का भी, और देखा जाए तो स्कूल में या किसी भी स्तर पर जो भी टीचर होता है उसका भी रोल यही है। हाँ जी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बच्चे को लगे नेचुरली ये आवश्यक नहीं है, हाँ जी, लेकिन अगर उसको बना दिया हाँ जाए इंटरेस्टिंग तो कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो उसको साध के चलने के लिए ही कहते हैं कि गुरु की महत्ता है, तो हाँ जी, वो एक पेरेंट्स के रूप में भी होता है और एक टीचर के रूप में भी होता है। पेरेंट्स कर जैसे सकें तो, तो हाँ जैसे बहुत मैंने देखा कि बच्चों को ये कार्टून मूवीज और कार्टून बहुत पसंद है, पर मेरे बच्चे सारे कार्टून्स को पहचान भी नहीं सकते, मतलब मैंने कभी उनको दिखाए ही नहीं। वो बड़े अच्छा होके कहते हैं, अच्छा मम्मा आपने हमें कुछ दिखाया ही नहीं। सारे बच्चे उनकी बात करते हैं, उसकी ये टॉम जेरी है, ये वो है। तो मैंने कहा बेटा अच्छी बात है, क्योंकि मैं बिलीव करती थी कि वो ग्राउंड में खेलें, वो चीज़ें नहीं करें, तो तो उनको वो पता नहीं, गेम्स तब उनको सारे पता आते नहीं थे। चलता था जब बच्चे दूसरे कहते होंगे। बस मतलब थोड़ा ही था ना, इतनी डिटेल में नहीं, खेलते थे तो वो खेलते ही थे, गेम हर गेम खिलवाया उनको, मतलब जो यहाँ खेल सकते थे, यहाँ जो इंस्टीट्यूट में जाके खेलने के, चाहे स्विमिंग हो, स्केटिंग हो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, मतलब बच्चों ने सारे गेम, म्यूजिक, सब कुछ करके देखा कि इसकी इनबॉर्न टैलेंट जिसमें भी है वो आगे उसमें एक्सेल करे। मतलब बेसिकली एक्सपोजर हर चीज़ का हो हाँ, और पता चल जाए कि बच्चे जो में कौन सी क्या कला टेंडेंसी छुपी नेचुरल है, होगी, जो हाँ क्या नेचुरल करना टेंडेंसी है वो चाहिए। डेवलप हो जाएगी आगे हाँ कि फर्दर। भी हालांकि स्पोर्ट्स को एज ए करियर में अडॉप्ट करने का ऐसा था नहीं, पर फिर भी कि भी बच्चे सब कुछ देखें, क्या पता करके क्या छुपा देखें। हुआ है। हाँ यही चीज़ मैम आप देखती होंगी जहाँ स्कूल में आप हाँ पढ़ाती जी, हाँ हैं, जी, वहाँ पर भी तमाम सैकड़ों बच्चे होंगे, तो उसमें भी आपको बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई नज़र आती होंगी, और आप ही को नहीं जो आपके कुलीग्स हैं उनको भी दिखता होगा। तो क्या उनको भी ऐसे अवसर मिल पाते हैं डेवलपमेंट के? मिलते हैं, क्योंकि स्कूल में भी देखो बहुत से अच्छे टीचर्स होते हैं। और अभी जो पहले मैं जिस स्कूल में थी उसमें एक बच्ची थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी पर वो बहुत ही पुअर फैमिली से थी। उसके फादर हैंडीकैप थे, उसकी मदर घरों में काम करती थी, सफाई करने का, बर्तन साफ करने का। तो उसको हमने, एक मेरी कुलीग और भी थी और एक मैं, हम दोनों ने उसको फाइनेंशियली भी और वैसे भी बहुत मोटिवेट किया कि बेटा तेरे कोई भी फीस की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, हम लोग सपोर्ट करेंगे, तू बहुत इंटेलिजेंट है मतलब आपके साथ और तू, दूसरे टीचर्स भी मिलकर। हाँ, दोनों ने हमने बहुत उसकी हेल्प की। और हालांकि उसको CA पास करने में थोड़ा टाइम लगा, 3-4 साल में क्लियर हुई, एंड वाला जो ईयर था उसका फाइनल, लेकिन फाइनली वो CA बन गई है वेरी गुड। और वो भी अभी भी कांटेक्ट में है। और वो बहुत ही मतलब प्रिविलेज्ड फील करती है कि भी हाँ मेरी किसी ने हेल्प की, और अब वो इसी तरह अपने ब्रदर की हेल्प कर रही है कि भी ब्रदर ये की भी, और मैम हाँ आगे औरों की भी हेल्प औरों की करेगी। भी, उसको एक करेगी, रास्ता आपने दिखाया। बेसिकली इट इज़ लाइक चेन रिएक्शन। चेन, बिल्कुल हाँ, तो उसको आपने उसके लगता है लिए कि भी किया, उसको हाँ आप में एक माँ नजर आई, हाँ लेकिन उसको महत्ता भी समझ में आ गई, मदद कैसे की जाती है, कैसे की शी कैन जाती फर्दर है। डू इट। हाँ ओके, तो मैम जैसे जो छोटे बच्चे हैं
और उनका परिवेश जैसे सरकारी स्कूलों में ग्रामीण परिवेश अधिकांश होता है, तो परिवार से उनको वही पोषण मिल पाएगा पढ़ाई को लेकर के, इसकी संभावना थोड़ी कम है हाँ जी ना। उसमें बिल्कुल ऐसी स्थिति में टीचर का जो भार है वो और बढ़ जाता है। शहरों में तो फिर भी पेरेंट्स चलिए पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सपोर्ट मिल ठीक कर कह देते रहे हैं, टीचर का लोड हल्का सा कम हो सकता है, ग्रामीण स्तरों में वो बहुत बढ़ जाता है। तो कभी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जिस हिसाब से लोड है उस हिसाब से सुविधाएं उससे मैच करती हैं सुविधाएं, मतलब गवर्नमेंट जो ने जो दिया गवर्नमेंट की है? तरफ से आपको मिलती हैं? देखो सुविधाएं काफ़ी हैं, पर थोड़ा सा गवर्नमेंट मुझे यूँ लगता है कि ये नहीं समझ पा रही है कि बच्चे किस लेवल के आ रहे हैं, जो हमारे ऊपर ये स्ट्रेस डाला जाता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए। हमें यूँ लगता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कोशिश करने के बाद भी हम उनका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सकते। रीज़न, क्योंकि वो स्ट्रेस प्राइमरी क्लासेस में नहीं डाला गया, और हम इस लेवल पे 9th के बच्चे को हम 8th तक का कवर नहीं करा नहीं करा सकते, सकते। तो कहीं ना कहीं हमें वो हर्डल नज़र आता है। बाकी बच्चे बहुत ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत होनहार हैं, उनको फैमिली की तरफ से शायद इतना मोटिवेट नहीं किया गया है, तो उनको हम बताते भी हैं, उनको हम एक्स्ट्रा बुक्स भी ला के देते हैं कि तुम क्या पढ़ सकते हो। ऐसे बच्चों को हम एंड तक उनके साथ रहते हैं जब तक वो अपना करियर नहीं अचीव कर लेते। और हमारे एक बच्चा है, परवीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, हम उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और बाकी स्टाफ भी, सिर्फ यूँ नहीं कि मैं ही, एक टीम वर्क है। और फाइनेंशियली भी और एजुकेशन के अलावा बाकी भी, जैसे बहुत से बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको प्रॉपर ड्रेस भी नहीं दे पाते हैं, यूनिफॉर्म भी नहीं दे पाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यूनिफॉर्म के पैसे आते हैं, पर समहाउ उसके बावजूद भी उनके पास नहीं होता है। तो स्कूल में टीचर्स की एक ग्रुप सा बन जाता है जो कि पैसे इकट्ठे करके उन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और हमें जो भी यूँ बच्चा दिखाई देता है कि इसमें है कैपेबिलिटी है और ये आगे जा सकता है, हम उसको लाइब्रेरी से खुद बुक्स वो कर ढूंढ के उसके लिए कि बेटा तू ये पढ़ के आना, इसके बाद ये तैयारी करना, अब इसके बाद तू ये एग्ज़ाम दे सकता है, तो वो सारी चीज़ें। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, अपनी ड्यूटी करने के अलावा ये सारी चीज़ें करते हैं बच्चों मैम तो को। अपने घर से भी बुक्स बहुत सारी स्कूल में ले जाती बिल्कुल हैं बिल्कुल ले जाती हाँ यूँ है कि हैं बच्चों की जो हाँ यूज़ कर ली इन्होंने, तो वो जी। बुक्स हम दे देते हैं जब आप उन चले बच्चों गए को। थे तो आपकी अलमीरा में मैंने सामान रखा था अपना, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें थी, और बल्कि एक नोटबुक तो जिसमें देखो आपकी बेटी की हैंडराइटिंग थी वो मैंने अपने पास रखी भी, और अब भी अच्छा मैं लोगों को दिखाती हूँ उसको। उसमें इनकी हाँ बिटिया ने तो जब पढ़ाई की होगी ना तो कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी थी। हाँ वो काफ़ी लिखती थी, तो उसी की बुक्स मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी में दे के आई थी। फिर एक बार झज्जर उस पे गई थी मैं डेपुटेशन पे, तब वहाँ कॉलेज में दे के आई थी कि भाई बच्चों की वहाँ यूज़ हो जाएगी। तो बुक्स तो यही है कि रद्दी में फेंकने की बजाय किसी की यूज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती अच्छा है। मैम, जैसे पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ा रही हैं, समय भी आपको काफ़ी हो गया, दो सब्जेक्ट साथ चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक हाँ एडमिनिस्ट्रेशन। जी और कहा तो यूँ जाता है कि पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा अम्ब्रेला है और उसी का एक पात्र है नीचे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक हिस्सा है छोटा सा, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी डेवलप कर दिया गया है, हाँ जी इसकी हाँ स्टडी जी काफ़ी वाइड है। हमारे यहाँ जो बच्चे कॉम्पीट करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए या बाकी तमाम एग्जामिनेशंस होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं अपने लिए कि हम इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में टेस्ट देंगे। पब्लिक एड उसमें काफ़ी पॉपुलर है, हाँ जी तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि पॉलिटिकल साइंस भी एक ऑप्शन होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक ऑप्शन होता है, कौन सा लेना ज़्यादा वाइज है और क्यों? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जनरली स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ये तो सही है। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल साइंस एक वाइडर सब्जेक्ट है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसी का ही एक पार्ट है, कि पॉलिटिकल साइंस में भी हम एक पेपर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ते हैं, और बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है एक वही चीज़ है। तो जनरली जो बच्चे साइंस के या नॉन मेडिकल या मेडिकल के जो भी बच्चे होते हैं, वो जब आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ करते हैं।
एक तो रीज़न रहता है कि इसका सिलेबस इतना वाइड नहीं है जितना पॉलिटिकल साइंस का है, पर जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है उसे पॉलिटिकल साइंस ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी पोर्शन उसका पढ़ा होता है और पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ एक जीके का भी पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट, काफ़ी बड़ा पार्ट हाँ कवर हो पार्ट जाता है है, उसमें। हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है पर इतना नहीं जितना पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस साइंस में में होता होता है। हाँ तो इसलिए ठीक है, जिन बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ले सकते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सिलेबस कम बताते हैं, और कम भी है। अदरवाइज इसके तो अलावा मेरे ख्याल से पब्लिक ऐड जो थोड़ा है सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी हाँ ताल्लुक़ हाँ रखता है। हाँ यही कि इंस्टीट्यूशंस की हाँ क्या फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और पब्लिक पॉलिटिकल साइंस भी काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ है। गवर्नमेंट ही है आफ्टर ऑल, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, नेशन, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसने पढ़ रखा उसके लिए इजियर है। बाकी रही बात स्कोरिंग की, मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग है, पर जब हायर एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी की हम बात करते हैं तो उस पे मुझे लगता है कि सब्जेक्ट को इतनी थोरोली पढ़ना पड़ता है आपको कि उसमें स्कोरिंग और नॉन स्कोर, ये कम स्कोरिंग है या ये ज़्यादा स्कोरिंग है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको हर चीज़ को मैनेज अच्छे से थोरोली पढ़ना हाँ पड़ेगा। थोरोली पढ़ना पड़ेगा, और वो आती है तो फिर उसमें स्कोर्स तो मिलने ही हैं। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे, थोड़ा सा व्यक्तिगत भी कह सकते हैं, क्या टीचर बनने की आपकी ख्वाहिश रही थी? नहीं, मेरी ख्वाहिश टीचर बनने की नहीं थी, वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद HCS की तैयारी की थी जी और मैंने रिटर्न क्लियर भी किया था, आज भी मेरे पास मार्कशीट पड़ी है जी उसी कहीं ना कहीं, तो मेरी फ्रेंड्स जब मिलती हैं तो यूँ कहेंगी कि भी हाँ ये